एसएचओ ने अपनी जान पर खेलकर मुलजम को पकड़ लिया है, एसएचओ ने अपनी जिंदगी पर खेल के पकड़ लिया है, और ये पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी दिलेरी है। वो दुकानदार ने इन दोनों को फाइन मारा है, तीन लड़कों को फाइन लगा है, ठीक है। सारी मूवी मौजूद है, गोलियां चलती हुई की मूवी मौजूद है मोबाइलों में सब के। हाँ, एक ही बंदे ने मारा, चार भाई हैं वो, निकल के वो उधर ही अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे उनको। अंदर शीशे वाली दुकान में बैठे हुए, इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मार देंगे वो हमें। वो ये जिन लोगों ने फायरिंग की, उन्होंने कब्जा किया, वो बंद दुकान है, एलडीए ने सील की हुई है। अच्छा, और उस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपके नोटिस में है पहले? नहीं, कॉर्पोरेशन वाले क्लियर करा गए हैं कल कब्जा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल, और मेरा नाम यासर शमून खान है। टीम उर्दू वायरल को एक इत्तला मिली है कि ट्विंटर मार्केट में तीन अफराद के ऊपर मसल्ला होके फायरिंग की, उनको जान बहक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बफजल करम अल्लाह ताला के वो तीनों के तीनों बच गए। दो की टांगों के ऊपर गोलियां लगी, एक के हाथ को छू के गोली लगी, और ये तीनों के तीनों मुलजमान अभी तक पकड़े जाने लगे हैं। ये हमारे पास इतला है, पुलिस एक बहुत बड़ा रेड कंडक्ट करेगी, और आप सोशल मीडिया के ऊपर फर्स्ट टाइम देखेंगे कि ये रेड कंडक्ट करते हुए उर्दू वायरल की टीम आगे आगे पुलिस के शाना बशाना होगी, और मुलजमान को ना सिर्फ अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी बल्कि उनको पकड़ने में अपना भरपूर एक रोल भी अदा करेगी। आइए मेरे साथ, तो लिंटर मार्केट में खड़ा हूँ। एक जनब जेल है और एक जनब जेल खाना जात के आईजी का दफ्तर भी है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ स्पॉट पर, यहाँ पर एक वाकया पेश आ गया है। दो लड़कों ने लड़कर आपस में एक दूसरे को गोली मार दी है, और इसे भी 20 मिनट हो गए हैं। पुलिस कहीं दूर दराज नज़र नहीं आती, पुलिस की फुर्तियां आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा वाकया हो गया है, लेकिन अभी तक यहां पर हमें कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही। 112 मौके पर पहुँच गई है अपनी रवायत को कायम रखते हुए, और अल्लाह करे कि ये बच्चे बच जाएँ और इनकी खैर आफियत की इतला में मिले। सामने के बेटे, सामने के बचत होगी बच्चे, अल्लाह ने कर दिया, बचत कर दी है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह ताला की। कहाँ लगी है? ये पांव पे लगी है, पीछे से निकल गई है। ये मेरा भाई है, इधर आओ। दोनों ही भाई इकट्ठे? अच्छा, दोनों भाई। तीन जितनों को मारे हैं, वो बदमाश है, वो कब्जे की मूवी बनाओ ना। देन यहाँ पर तो अच्छा बता, बना रहे हैं। ओ, मुझे वर्जन तो ले लेने दें, एक मिनट वर्जन तो आए 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 ना, वर्जन तो दे दें ताकि बात पूरी हो रही है। वर्जन ये है कि लड़ाई हुई है, ठीक है। हाँ जी, दुकानदार लड़े हैं, वो दुकानदार ने इन दोनों को फाइन मारा है, तीन लड़कों को फाइन लगा है, ठीक है। तो अभी आपके सामने बदमाश बने हुए हैं मुफ्त के, यहाँ पे पूरी मार्केट पे। वो नाज़रीन खतरनाक इशू है, यहाँ से हमें थोड़ी देर के लिए, एक मिनट आप दिखाते हैं दुकान, हम दिखाते हैं यहाँ से, हम देखें स्पॉट, इस वक्त स्पॉट है, हम दूर से कवर करेंगे उसे। सर को इधर आए ना, हम आपके आगे आपको। ओहो मेरे भाई, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। आप घर जाएं, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी आवाज उठाएंगे कि पुलिस नहीं आई है अभी तक। वो पुलिस को छोड़े, अगर आप कवरिंग करने हैं तो उनकी भी करें ना, चौक की करेंगे, चाहे वो सामने ही करें। वो अलकरम दुकान है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मैं समझ रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। अपने तरीके से आपका इशू ही उठा रहे हैं मेरे भाई। चले, आपके साथ ज्यादती हुई है, हम क्यों ना माफ करें। देखिए, उन्होंने अगर कोई किया है हमें, हमारी आंखों के सामने नहीं किया, कल को वो हमें लीगल नोटिस भेज दें। सारी मूवी मौजूद है, गोलियां चलती हुई की मूवी मौजूद है मोबाइलों में सब के, आप हमें सेंड, सब के पास मौजूद है, एक बंदे के पास नहीं है। अच्छा, कितने बंदे हैं? वो ये दो ये हुए हैं, एक वो है उधर, तीन हुए हैं। और तीनों पे एक ही पार्टी ने मारा? हाँ, एक ही बंदे ने मारा, चार भाई हैं वो, निकल के वो उधर ही अंदर ही है, बाहर नहीं निकलने दे रहे उनको। अब आम बाहर नहीं निकलने दे रही, दुकान पे ही है, दुकान के अंदर है वो सारे, अंदर बंद। तो पुलिस पहुंच ही नहीं रही यहाँ पे, पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। नहीं, आधा घंटा, आधा घंटा हो गया वाकया। आए ना दिन आए, अभी तक पुलिस पहुंची नहीं। आए 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 आए, अब चलते हैं उस स्पॉट पे, अब जाएंगे, देखें अब हमारा बनता है जाना। आए ना दिन आए, आए ना दिन, अब देखें ना, अब ये देखें, अब देखें, अब हम कर सकते हैं, इससे पहले हम किस तरह कर सकते हैं। आए आए ना दिन, तीन बंदों को यहाँ पे फायर लगा है, तीन बंदों को फायर लगा है, वो दुकान के अंदर है लोग, ये स्पॉट है, पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। पुलिस किधर है? पुलिस है किधर? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई है नाज़िम, क्या आपको भी लगी? हाँ जी, मेरे भाई के पांव पे फायर लगा। आए आए आए, इधर आए, इधर आए, इधर इधर आ जाए। हाँ, उधर उधर देख लिया, उधर हमने देख लिया, आप देख लिया। हाँ, वो मेरा मारे किसने?
या ये अफजाल है तो ऊपर से भी हो सकता है ना कुछ, उधर से उसने फायर मारे, वीडियो बकायदा बनी हुई है, वीडियो भी है, वो उनका वो शहबाज लाची उखताने वाला है, वो कहने वाला है कि जी फायर मारे, इशारे ना, ठीक है, मेरे भाऊ भाई के छोटे पांव पे उन्होंने फायर मार दिया, गोडे पे लगा है, और एक समीर लड़का, समीर पुलिस आ गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आए आए आए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, नाज़रीन आ जाए, नाज़रीन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस आधे घंटे के बाद आई है और यहाँ पे तीन बंदे बुरे तरीके से ज़ख्मी हो चुके हैं और जो मुलजमान हैं वो दुकान के अंदर बंद किए हुए हैं, मार्केट वालों ने छुपके बैठे हुए, छुपके सर बैठे के आगे हम अपना बच्चों का ये रिजक मारे हैं, जिनकी सील है दुकान, उनसे इन्होंने दुकान किराए पे ली है। अच्छा हुआ क्या, वाकया क्या, यही वाकया है, 10 नंबर के आगे इन्होंने पिंजरे लगाए हैं, 10 नंबर दुकान हमने मालिक से कहा कि यूनियन से इतमाद ने करके लिया है कि हमें दे दे, हमने रिजर्व कमाना है, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, इन्होंने डायरेक्ट फायर की, सदर साहब जी, सदर साहब सामने का छोटे भाई ने इन्होंने फायर मारे, इन्होंने समीर ने फायर वजह मेरे छू से निकले हैगा, अफजाल ने डायरेक्ट फायर किए ने, अफजाल अंदर ही है, दो बंदे उधर लंबे पे ने, उधर आया वे, उन्होंने आके सीधे फायर मारे ने, किन्होंने, वो जो अंदर बैठा है चौधरी, सीधे फायर मारे, बदमाश बने हुए सर, वो किसम शरीफ आदमी, हम वीडियो देख सकते, शरीफ आदमी, हम वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भी है, सब कुछ बने हुए सर, तनाजा क्या था, तनाजा सर, हमने दुकान जिससे हमने दुकान ली है, हमने तो मालिक से दुकान ली है, भाइयों ने फायर, वो आके फायरिंग कर दिए, तीन बंदे जख्मी कर दिए उन्होंने, वो बदमाश है, वो पुलिस अभी तक लेके क्यों नहीं जा रही, पुलिस आने रही सर, यही तो है, पुलिस को वो अंदर, वो अंदर शीशे वाली दुकान में बैठे हुए, इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मार देंगे वो हमें, वो जाना मार देंगे वो, सदर साहब तीनों ने फेर मारे, तीनों ने, इन तीनों ने फेर मारे भाइयों ने, तीनों ने जो बाहर है, नाज़रीन पुलिस देखिए वहाँ पे खड़ी है, उनको पकड़ नहीं रही, वो कह रहे हैं लड़के अंदर हैं, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, या फिर पुलिस का एक मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक पकड़ेगी, मजीद फोर्स को बुलाएगी, अपने प्रकोशन लेगी, फिर रेड करेगी, लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस का आना, इतने बड़े वाक़े के बाद, ये एक बड़ी हैबत अंगेज़ बात है, यानी कि तीन बंदों को गोलियां मार के ज़ख्मी कर दिया जाता है एक मामूली तनाज़ा के ऊपर, और फिर उसके बाद ये सूरत हाल बन जाती है, नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि सामने जेल है, ये जेल है, ये जेल के बिल्कुल दीवार के साथ सामने ये वाक़या पेश आया है, ना जेल पुलिसदार निकले हैं, उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा दिखाया है, ना ही यहाँ पर पुलिस अभी अगर एक आधे घंटे के बाद आ ही गई है तो वो भी कोई काम नहीं कर रही, बस वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी है, आइए हम उनके कुछ शॉट्स लेते हैं, फिर आगे की मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। रेस्क्यू तो आ गई है, रेस्क्यू तो बड़ी देर दी आई थी सर, आप फौरन ही पहुँच गए थे उस स्पॉट पे? जी बाइक वाले पहुँच गए थे हमारे ना जी, तकरीबन माशाल्लाह 5 मिनट में पहुँच गए थे, रेस्क्यू ने हमेशा की तरह अपनी, बेटा आप खैरियत से हैं, बचत हो गई है, बचत हो गई है, अच्छा क्या सीन क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, लोगों के अड्डों पे कब्जे करते हैं, वो एक मजबूर सा लड़का था ये, जिसको ऑनलाइन नहीं लगा, इसके साथ हम गए थे कि इनके अड्डे पे कब्जा किया था उन्होंने, हमने जाके साइड पे उनको किए हैं, उनके पिंजरे निकाल के साइड पे किए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया सीधा, वो उनके पास पिस्तौल, तीनों ने, तीनों के पास एक एक पिस्तौल थे, एक दो नजायज़ थे, एक का पता नहीं, लेकिन जो दूसरा था ना मोटा सा, अफजाल नाम है उसका, मियाँ अफजाल, उसने फायर स्टार्ट किया और दोनों ने भी चलाया, दो भाई और थे जबार और हमाद, लेकिन पुलिस सब उनको क्यों नहीं पकड़ी सर, वो वकीलों के साथ उनके रिश्ते हैं, डबल टू तो आ गई, हाँ जी आ गई, पुलिस भी आ गई, अब अल्लाह हैर करे, वो अपने आप बहुत बड़े कब्जे करते हैं इधर मार्केटों में, नाज़रीन यहाँ पे शहर में तो रहना बड़ा दोबर सा नज़र आ रहा है, मुश्किल सी बात नज़र आ रही है, इस वक्त हम स्पॉट पे मौजूद हैं, तीनों ज़ख्मी मैंने आपको दिखा दिए हैं, उनको रोते चिल्लाते हुए भी दिखा दिया है, पुलिस अफसर भी मैंने आपको दिखा दिया है, चौधरी साहब मुलजमानों कहने ने भी अंदर नहीं थे, फिर तुम उन्होंने फड़ क्यों नहीं रहे, थोड़ा ये दसो, आ रही है ना टीम, हाँ वही प्रकोशन ले रही है पुलिस, नाज़रीन जो मेरा आइडिया था, पुलिस प्रकोशन ले रही है इस वक्त, और टीमें आ रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये देखें ऊपर, ऊपर का मंजर दिखा जरा, ये ऊपर, ऊपर का मंजर देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारे उनके लड़के हैं, ये चौकस कर दिए गए हैं, और टीमें आ रही हैं पुलिस की, और अभी मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे क्रैकडाउन होगा और मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे, 112 में ये दूसरा ज़ख्मी है जो जा रहा है, 112 में मानी दिखा रहा है, ये दूसरा मुलजम है जो 112 में जा रहा है, इसके बाद तीसरे मुलजम को भी मेरे ख्याल में बिठा लिया जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी जानें बच गई हैं, लेकिन टांग के ऊपर, हाथ के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फायर लगे हैं, और ये सामने जेल है,
और जेल के सामने ये वकुआ पेश आया है। और क्लिंटन मार्केट एक बारौनक तरीन जगह है, यहाँ पे तो हर वक्त लोगों का रश होता है। और सदर साहब से भी जानेंगे, क्लिंटन मार्केट के सदर है, इतना बड़ा वाकया हो गया है और ये कह रहे हैं ये कब्जे करते हैं, बकायदा ये लोग, इन लोगों का ही कहना है जी, ये जिन लोगों ने फायरिंग की उन्होंने कब्जा किया हुआ, बंद दुकानें एलडीए ने सील की हुई हैं। अच्छा, और उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपके नोटिस में है पहले? नहीं, कॉर्पोरेशन वाले क्लियर करा गए हैं कल कब्जा। ना कॉर्पोरेशन आपने देखा होगा कल, आज फायर लग गए, गोलियां चल गई, ये बहुत बड़ी ज्यादा, पुलिस नहीं पहुंची? नहीं, पुलिस आ गई हुई है, घंटा हो गया। नहीं, पुलिस टाइम पे आ गई थी लेकिन बंदे कम थे, मामला ज्यादा संगीन है। आधा घंटा तो हमें हो गया था, हमने खुद देखे, आधा घंटा तो हमें हो गया। पुलिस आ गई थी 10 मिनट में लेकिन वो बंदे कम थे, वो बाकी फोर्स का इंतजार, बहुत कम फोर्स है, वो अंदर मसाला है, उसको पकड़ने की कोशिश है, कुछ भी कर सकता है। अभी भी मसाला बैठा हुआ है? जी, अंदर मसाला बैठे हुए हैं। बस कितने लोग हैं वो? इनके मुताबिक तीन है। तीन है? हाँ, तीन चार है। वो तीन चार है, यानी कि मजीद खतरा हो सकता है। खतरा है वो बंजन, वो खतरा कर रहे हैं, वो गुंडा करती कर रहे हैं। यहाँ पर मुमकिन है की बहुत बड़ा कोई वाकया पेश आ जाए, आप देख सकते हैं। अच्छा, अंदर कितने बंदे ने? अंदर एक बंदा है, दो ये बाहर खड़े हैं मुलजम, तीन बाहर खड़े हैं। थोड़े दिन पहले मैंने वो करवाई थी, तो पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं सर? वो आ गई अब भाई, वो पुलिस वो अंदर नहीं जाने दे रहे, फोर्स का इंतजार कर रहे हैं सर। उनके फोर्स होना तो कहते भी नहीं असला सर, उनके पास असला नहीं, आ गई है वो, देखो और आ गई फोर्स। बहुजी दसो जरा शटर वाला। एक पकड़ा गया, एक पकड़ा गया, एक लड़का नजर, एक गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और दूसरा वो गिरफ्तार होने के लिए अंदर वो करने के लिए पुलिस गई है, दूसरा गिरफ्तार करने गए हैं अंदर। उसके पुलिस अंदर घुस चुकी है और मुलजम अंदर मौजूद है, और पुलिस अपनी टेक्निक के मुताबिक, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक एक ऐसा लाया अमल पुलिस बना रही है कि मुलजम को बाहिफाजत गिरफ्तार कर सके। लेकिन आवाम यहाँ पर कॉपरेट नहीं कर रही, और कोशिश करना चाहिए कि पुलिस के साथ कॉपरेशन किया जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक तरीन चीज़ है, ये कोई आसान काम नहीं है, और ये पुलिस की एक दलेरी है जो इस वक्त कर रही है। साहब इसकी चाबी मांग रहे हैं, आप इस बात को तो माने कि पंजाब पुलिस एक दलेर तरीन फोर्स है, और वो एक अंदर ही दुकान के पास, अंदर ही दुकान के अंदर छुपा हुआ है, पिस्टल उसके हाथ में है, और पुलिस ने एक स्ट्रेटजी बना ली है, पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है पूरी दुकान को, और यहाँ पर उन्होंने अंदर रेड भी कर दिया हुआ है। SHO साहब, बड़ी उम्मीद है कि बड़ी जहाँदीदा अप्रोच के साथ अपनी जान पे खेल के मुलजम को पकड़ लेंगे, मुझे उम्मीद बहुत है। लेकिन ये कि पब्लिक थोड़ा कॉपरेट करे, आप लोग वाकई साइड पे हो जाएं, क्योंकि ये देखें बड़ा ख़तरनाक सा काम है, ये पुलिस को करने दें ताकि वो अपना काम सर अंजाम दे सके। नाज़रीन, रेड कंडक्ट कर दिया है पुलिस ने अपनी महारत के साथ, अल्लाह करे कि अंदर ही है बंदा, अंदर ही है, बंदा अंदर ही है, बंदे ने रेड कंडक्ट कर लिया पुलिस ने। नाज़रीन, पुलिस ने रेड कंडक्ट कर लिया है, और दलेरी के साथ पुलिस अंदर चली गई है। पुलिस ने एक बड़ी जामे स्ट्रेटजी को मरतब किया है, और अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद तो बहुत है कि पुलिस कामयाब ठहरेगी, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को उसने अपनाया है उसके मुताबिक तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस जो उनको बंदा मतलूब है वो भाग सकेगा, क्योंकि इस वक्त पुलिस अपना काम कर रही है, तो हम किसी भी सूरत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब यहाँ पर मौजूद हैं खुद, मुझे पूरा यकीन है कि कामयाबी के साथ ये रेड, ये भी रास्ता अंदर जाता है। नाज़रीन, ये पंजाब पुलिस की दलेरी ही है जो पिस्टल अंदर है, लड़के के पास है, मुलजम के पास है, और वो अंदर घुस चुकी है और उसे तलाश कर रही है हर जगह के ऊपर। उम्मीद बहुत है कि वो कामयाब होंगे, लेकिन क्योंकि लोगों का जुर्मट इतना ज़्यादा है, सकते हैं कि पब्लिक बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही पुलिस के साथ, और पुलिस इस वक्त अपनी जान पे खेल के रेड कंडक्ट किए हुए है, और पब्लिक बाहर इस तरह खड़ी है। बंदा पूछे कि मजहब कौमों का काम है कि वो अपनी फोर्सेस को मौका दें काम करने का, लेकिन यहाँ पर तो इस कदर ऐसा जो सब आपकी हिकमत अमली इस वक्त इतनी कामयाब है, आप इतने अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है कि ना आपको अपनी ज़िंदगी की परवाह है, जिस तरह आप अंधेरों में अंदर घुसते चले जा रहे हैं, मेरा आज पंजाब पुलिस को सलूट करने को यकीन जानिए दिल कर रहा है, और हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करें। आइए नाज़रीन, अल्लाह ने चाहा तो मुलजम जो है वो गिरफ्त में आएगा। दो तो मौके से पकड़ लिए हैं उसी वक्त, दो तो मौके से पकड़ लिए हैं,
और ये तीसरा है, इसको पकड़ने की कोशिश है। और क्योंकि लोगों का हजूम बहुत है और उस हजूम में वर्कआउट करना, काम करना नहायत एक मुश्किल अमल है। आपने आज से पहले कभी भी ज़िंदगी में इस तरह प्रोफेशनली रेड कंडक्ट होते हुए नहीं देखा होगा। और ऐसे जो साहब ने यहाँ पर इस वक्त अपनी महारत और अपनी टेक्निक और अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह बना रखा हुआ है कि निकलने का रास्ता तो खैर उसका नहीं है अगर वो अंदर मौजूद है, और अगर वो इनके आने से पहले निकल चुका हुआ है तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि दो बंदों को उन्होंने मौके के ऊपर अरेस्ट कर लिया है। आज तक तो यही होता आ रहा है कि फायर लग जाते हैं, शूटर भाग जाते हैं, लेकिन शूटर्स को मौके के ऊपर अरेस्ट कर लेना ये भी एक बड़ी कामयाबी है। अब ने खुद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO ऊपर चढ़ गए और जाली से देख रहे हैं। ये एक डेंजरस तरीन काम है, उसके पास असला हो सकता है, वो फायर कर सकता है। कामयाब रेड करते हुए मौके से दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दो मुलजमान नहीं, तीन मुलजमान थे। तीसरा मुलजम ज़ाहिर है इतना हजूम, इतना रश, इतनी अफरा तफरी में वो कहीं सजे खबे हो गया है, लेकिन उसे पुलिस बरामद करके रहेगी। आखिरकार पंजाब पुलिस है। यहाँ पर मौके के ऊपर वारदात हो जाने के बाद लाहौर में बहुत अरसे के बाद एक कामयाब पुलिस की हिकमत अमली ने आज ये कर दिखाया है कि दो बंदों को मौके के ऊपर अरेस्ट कर लिया है। उन तीन बंदों ने मिल के तीन बंदों को ना सिर्फ ज़ख्मी किया बल्कि जान से मारने की कोशिश भी की। अहले इलाका का कहना है कि ये दो दुकानों का तनाज़ा था, लेकिन अभी भी ये दुकान यहाँ पर सील की हुई है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उनकी कोशिश है कि यहाँ पर मज़ीद तलाश करें और लड़के को किसी तरीके से बरामद कर लें जो मुलज़म है। दफ्तर के ऊपर ट्रेसपास हो रहा है, अंदर ही है, ना दिन ट्रेसपास हो रहा है दफ्तर के अंदर, अंदर ही है, ट्रेसपास हो रहा है। किसी भी वक्त फायर असला उसके पास और फायर भी हो सकता है, और पकड़ लिया उन्होंने, ना दिन पकड़, मुलज़म उन्होंने पकड़ लिया है, मुलज़म तीसरा। नादिन ये मुलज़म पकड़ लिया गया है। SHO की दलेरी देखें, SHO ने अपनी जान पर खेल कर मुलज़म को पकड़ लिया है, SHO ने अपनी ज़िंदगी पर खेल के पकड़ लिया है, और ये पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी दलेरी है। नादिन ये इस वक्त ये देखें, नादिन आप ये देख सकते हैं रेड कंडक्ट हो गया। उर्दू वायरल की टीम मौके के ऊपर साथ साथ रही है, आप ये देख सकते हैं। SHO साहब ने नहायत अपनी कामयाब हिकमत अमली से ना सिर्फ मुलज़म को पकड़ा है बल्कि इर्द गिर्द घेरा भी तंग कर लिया है। ये देखें, ये देखें, ये वो पुलिस ऑफिसर हैं जो पीछे हो जाओ, जाओ यार की यार, जाओ यार, जाओ यार, तुसी ते जाओ ना, साड़ा काम है यार, सानू करन दो यार, ताड़ी मेहरबानी, जाओ जाओ। SHO साहब आपने इतनी दिलेरी के साथ ये कारनामा सर अंजाम दिया, सारा रेड मैंने देखा है, आपको गोली लग सकती थी, आपने परवाह ही नहीं की अपनी कौम की हिफाजत के लिए। हमने पहले भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आप भी तैयार हैं, अल्लाह ताला पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और ये एक बड़ा कारनामा है, इसे जुर्म किया नहीं किया ये अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन इसको गिरफ्त में लेना ये एक पुलिस का ही काम था, कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता। बात बात के ऊपर नुक्ताचीनी पुलिस के साथ। नादिन आप देख सकते हैं कि उर्दू वायरल ने आज तमाम ये वाकया ना सिर्फ आपकी नजर से गुजारा किस तरह पुलिस दिलेरी के साथ काम करती है और किस तरह मुलजमान को फौरन से पहले पकड़ती है, बल्कि आप किसी भी क्राइम बीट में चले जाएं तो कोई भी रिपोर्टर मुलजमान को इस तरह सरेआम दिखाने से कासर होता है, क्योंकि उसकी अपनी जान को भी लातदाद हदशात लाहक होते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा जिगर पाल रखा है कि डर और खौफ से तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। जो शख्स बुरा काम करेगा पुलिस के साथ मिलके उसको ना सिर्फ हथकड़ियों में जकड़ेंगे बल्कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम शवाहद और तमाम सबूत भी इकट्ठे करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।